जय माँ शारदे। नमस्कार मेरे मित्रों, आज मैं आपको उपाय बताना चाहती हूँ जिनकी उम्र ज़्यादा है, कम है और उनकी शादी नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो उनकी शादी के लिए हम क्या उपाय करेंगे कि उनकी शादी हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय करना है वो हम आज आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। अब मैं आपको उस उपाय के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, घर में माँ बाप परेशान होते हैं कि उनकी एज हो गई है और एज के बावजूद भी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, अच्छा रिश्ता आ रहा है लेकिन वो रिश्ता भी किसी कारणवश लग नहीं पा रहा है, कभी छूट जा रहा है या कभी कुछ सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन फिर भी शादी में बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और शादी तय हो जाती है और फिर तय होने के बाद शादी टूट जाती है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहूँगी। बहुत ही सरल उपाय है, आपको करना चाहिए वो उपाय और जो ये उपाय करेगा उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चने की दाल लेनी है, चने की दाल घर में रहती है, चने की दाल लेंगे और गुथा हुआ आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा ले लेंगे गुथा हुआ और चने की दाल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे और चने की दाल, गुथा हुआ आटा और गुड़ एक साथ में गूंथ लेंगे इसको, और जब गूंथ लेंगे और गूंथ लेने के बाद गुरुवार वाले दिन आपको ये काम गुरुवार वाले दिन करना है और गुरुवार वाले दिन गूंथने के बाद इसको आप गाय को खिला देंगे। अगर आप 7 गुरुवार ये आटा वाला खिलाते हैं गैया को तो आपका विवाह बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जिन लोग का विवाह नहीं हो रहा है उनका भी विवाह बहुत ही आसानी से हो जाएगा और ये उपाय आप कीजिएगा। इस उपाय से लाभ आपको जरूर होगा क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल है, क्योंकि आप लोग को भी नहीं पता होगा कि चने की दाल और गुड़ और गुथा हुआ आटा कितना फायदेमंद है। इसको खिलाने से आपकी शादी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो इस उपाय को करने से आपकी शादी सरलता ही हो जाएगी। आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। और एक दूसरा उपाय भी है, उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी का कलश बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और उस कलश में पूरा चावल भर लेंगे, कच्चा चावल जो आता है आप उसको चावल भर लेंगे और उसमें एक सिक्का डाल देंगे और सिक्का डालने के बाद उसमें एक बेलपत्री रख देंगे, सिक्का डाल देंगे बेलपत्री रख देंगे और बेलपत्री रखने के बाद इसको जिस कन्या या जिस बालक का विवाह नहीं हो रहा है, जिस वर या वधु का विवाह नहीं हो रहा है, आप उसका कोई कपड़ा, जैसे लड़की की चुन्नी हुई रेड कलर या येलो कलर की चुन्नी जो लड़की पहनती हो उसका छोटा सा टुकड़ा या जो भी है पार्ट ले लेंगे आप और ले करके, और जो लड़का है लड़के के पास रुमाल होनी चाहिए येलो कलर की या रेड कलर की, तो उसका टुकड़ा उसमें लपेट देंगे और लपेट के इस कलश को प्रातः काल नहा धो करके बिना बोले इसको आप माता दुर्गा जी के अशोक सुंदरी का नाम लेके, अशोक सुंदरी माता जी का स्मरण करते हुए बिना बोले आप दुर्गा जी के मंदिर में इस कलश को रख दीजिएगा। रखने से देखिए जो भी आपके विवाह में दोष आ रहा है वो दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये क्रिया आपको शुक्रवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन करनी है। इसको करने से आपको सर्वदा लाभ मिलेगा। आप ये क्रिया करके देखिएगा, इससे जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है बहुत जल्दी उसका विवाह हो जाएगा और ये क्रिया आपको 3 से 4 बार करनी है, उसके बाद ही आपको इस क्रिया से लाभ होगा। नमस्कार।